स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपके पास लेबर कार्ड है, जिसे हम मजदूर कार्ड भी कहते हैं, श्रमिक कार्ड भी कहते हैं, तो इस महीने फिर से आप सभी को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कब और कैसे दिए जाएंगे आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली के मजदूरों को मई में भी 5,000 मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, इस महीने भी जो भी मजदूर पंजीकृत है उन सभी को जो है सरकार की तरफ से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने मजदूरों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 40,000 मजदूरों को लाभ मिलेगा। तो जो भी मजदूर पंजीकृत है उन सभी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पिछले महीने भी दी गई थी मदद, पंजीकरण कराने का फिर है मौका। मतलब कि अभी आप जो है इस महीने भी पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि आपका पंजीकरण नहीं हो रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, तो कब से करवा सकते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिल्ली सरकार निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को इस माह भी 5,000 रुपये की सहायता राशि देगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लॉकडाउन बढ़ाए जाने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों को राहत देने के लिए किया है। यह धनराशि मंगलवार से उनके खाते में भेजी जाएगी। यानी कि पिछले मंगलवार से ही जो भी मजदूर पंजीकृत है उनके खाते में 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। और ज़्यादातर मजदूर के खाते में जो भी मजदूर पंजीकृत है उनके खाते में 5,000 रुपये भेज दिए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको बताया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने भी सरकार 5,000 रुपये की सहायता राशि देगी। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को इस बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। गोपाल राय ने कहा कि 15 मई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। तो देखिए जिन भी मजदूरों का पंजीकरण नहीं हुआ है वो अभी जो है 15 मई से जो है अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, तो आप जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, यदि आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले 40,000 मजदूर लाभान्वित तो होंगे। इन मजदूरों को पिछले माह भी 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। तो जिन भी मजदूरों को पिछले महीने भी पैसे दिए गए थे 5,000 रुपये, इस महीने भी मई महीने में भी 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से, ये बता दिया गया है। दिल्ली में रहने वाले तकरीबन 40,000 मजदूरों को उनके खाते में 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। और जिन भी मजदूरों का पंजीकरण नहीं हुआ है वो जो है 15 मई से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं? यदि आपके फ़ोन में मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया है, तो आप जो है अपने बैंक अकाउंट के पासबुक को एक बार अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में 5,000 रुपये सरकार की तरफ से भेजे गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो भी मजदूर पंजीकृत नहीं है वो जो है 15 मई से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इसी प्रकार के और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और भी जानकारी आपको मिल सके। जब तक के लिए टेक केयर।